Hey, what's up people, welcome back again another drawing video. So guys, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को और उसके साथ स्पाइडरमैन को. सो गाइज, बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई विल टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस पेपर पर पेंटिंग करता हूँ, मतलब पेपर को प्राइम करके उसके ऊपर पेंटिंग करता हूँ. और इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग ड्राॅइंग वीडियो. तो गाइज, अब हम इसकी डॉक्टर स्ट्रेंज की आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम मिलते हैं. तो गाइस, फर्स्ट स्टेप मुझे स्किन टोन बनाने के लिए सबसे पहले बर्चियाना और उसमें रेड रोज को मिक्स करने के बाद और उसमें थोड़ा वाइट ऐड करके एक परफेक्ट स्किन टोन बना दिया. तो फर्स्ट लेयर जो मैं इसकी अप्लाई कर दूंगा और अभी सेकंड लेयर जब अप्लाई होगी जब यह थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो अब हम हेयर पर वर्क करते हैं. तो हेयर ड्रॉ करने के बाद अब हम सेकेंड लेयर जो अप्लाई करेंगे उसमें डार्क एरिया को कवर करेंगे. तो गाइज, अब हम बात करते हैं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में. आई लाइक द डॉक्टर स्ट्रेंज कैरेक्टर फॉर मार्वल एमसीयू द बेस्ट. सो इसकी जो पावर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है और हीरोज़ के मुकाबले, और जो मार्वल एमसीयू में जो हीरोज़ हैं पुराने और नए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती हैं इसमें. ये मल्टीवर्स और पोर्टल जो खोलता है, बस क्या बताएं गाइज. और अपने स्पाइडी तो गाइज वो तो है ही है ज़बरदस्त, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो गाइज, नेक्स्ट स्टेप हम जो इसमें पेंट करेंगे, जो इसकी रेड कमली है उसमें हम पेंट करेंगे. तो उसमें मैं तीन कलरों का यूज़ कर रहा हूँ. सबसे पहले कुनाकुलम मेजेंटा, कुनाकुलम रोज और बर्चियाना. सो कुनाकुलम मेजेंटा और रोज को मिक्स करके आप एक विविध और वाइब्रेंट रेड कलर को बना सकते हैं. और अब हम इसमें सेकेंड लेयर डार्क थोड़ा ब्लैक और डार्कनेस अप्लाई करेंगे. सो गाइज, मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ऑयल पेंटिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और कलरों के मुकाबले जैसे कि उसमें स्केचिंग रही, कलर पेंसिल रही, उनसे काफ़ी अलग मुझे ऑयल पेंटिंग लगती है. क्योंकि आप इसमें कुछ भी इंटरफेयर कर सकते हो, ऑयल पेंटिंग करने के बाद भी कुछ भी बना सकते हो, बस आपका एक फ्री हैंड फ्री स्टाइल आर्ट, मतलब आर्ट होनी चाहिए आपकी, तभी आप ऑयल पेंटिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हैं. तो ऑयल पेंटिंग का पूरा कोर्स मैं जल्द ही लाऊंगा, तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज. और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए. कंप्लीट कोर्स आपको जल्द ही मिलेगा. सो गाइज, अब पेंट करते हैं बैकग्राउंड को. तो बैकग्राउंड में मैं कोबाल्ट ब्लू और कुनाकुलम मेजेंटा को मिक्स करके एक विविध पर्पल कलर बना के इसमें बैकग्राउंड में अप्लाई कर दूंगा. और उसमें थोड़ा मीडियम जेल को मिक्स करूंगा. मीडियम जेल से क्या है कि एक फ्लो सा आ जाता है पेंट में. सो गाइज, अब हम पेंट करते हैं अपने स्पाइडी मैन को. तो यार, स्पाइडी को तो डॉक्टर स्ट्रेंज साहब ने ना घर का छोड़ा ना घाट का, बस काफ़ी तरस आता है मुझे इस पर. तो चलिए अब इसको पेंट करते हैं बेचारे स्पाइडी को. तो उसमें सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड को अप्लाई करूँगा, तो जो पूरा स्पाइडरमैन है पूरा हाईलाइट हो जाएगा. इससे मुझे काफ़ी आसानी होगी उसे पेंट करने में और उसकी डिटेल में.
तो बैकग्राउंड करने के बाद अब हम इस आई को और पेंट करेंगे जिसका ब्लैक पोर्शन है। अब ब्लैक और थोड़ा कोबाल्ट ब्लू और वाइट को ऐड करेंगे, थोड़ा लाइटनेस लेफ्ट साइड और थोड़ी डार्कनेस राइट साइड होगी इसके चेहरे पर। तो वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए और वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है। तो गाइज ये जो सूट है, मैं इसका ये सूट ब्लैक सूट को पेंट करूँगा। ब्लैक सूट काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो अपने डॉक्टर साहब ने इसे बना के दिया है। तो चलिए इसको पेंट करते हैं। तो गाइज़ अब हम इसमें कुछ अपनी ओर से ऐड करेंगे। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये कांच के टुकड़े हैं जो कि इसे कांच के टुकड़ों को तोड़ता हुआ वह बाहर निकल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग रहेगी। होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको स्पाइडरमैन और अपने डॉक्टर साहब कैसे लगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है और चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय।